पहले एक जॉब स्टार्ट की थी, ठीक है, और उसकी सैलरी आज आ गई। ओह सैलरी आई है, कुछ खाना तो बनता है। मैंने मेरे बैग से चोरी कर करके इसने अपना जहेज बनाया। हम लोग खाने जा रहे हैं मछली क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। तो सी अपनी ब्यूटी तो दिखाओ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। वाह क्या सीन है। सही, अब जंगली बनते हुए इतनी मछली तू घर लेके जा रही है। मैं अपना खर्चा उठा सकूं, लेकिन वो भी सैलरी मेरी अम्मी ने मेरे हाथ से छीन ली। अम्मी कह रही है तू नंगे आइसक्रीम का पैसे तू ही देगी बहन तेरे। मैं पीछे डांटती जा रही हूं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने एक नए व्लॉग में। उस शीशे में जो जिन आपको नजर आ रहा है, प्लीज उसको इग्नोर करें। वो है इन्ना पोना, यानी कि तैयब। तैयब के इतने लंबे बाल हो गए, इतने लंबे बाल हो गए कि रात को जब ये सो रहा होगा, मैंने इसके बालों में लगानी है चिंगम चुविंगम और इसको बाल कटाने। मैं बचाऊंगी। खैर हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना खाने। तो मैंने एक महीना पहले एक जॉब स्टार्ट की थी, ठीक है, और उसकी सैलरी आज आ गई। मतलब महीने में चार दिन, आपको पता ही होगा जो मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ, उसकी सैलरी आ गई। तो जब मैंने अम्मी को वो सैलरी दी, मैं विश और इस इन्ने पौने ने देखा और इसने कहा कि ओहो हो सैलरी आई है, कुछ खाना तो बनता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो मैंने सोचा के क्यों ना इन गरीबों को कुछ खिला दिया जाए, साथ में कुछ पिला दिया जाए। तो क्योंकि सर्दियां भी बिल्कुल शुरू। गरीब तो ये 1000 रुपए अभी तक नहीं मेरे दिए। ओ जा पता नहीं इसने मेरे कितने पैसे देने हैं। मेरे बैग से चोरी कर करके इसने अपना जहेज बनाया। बस कर दे, मेरे बैग से पैसे चोरी कर करके इसने अपना जहेज बनाया और मुझे पता है 1000 रुपए मेरा अभी देना है। चुप कर बे, याद करो, चुप कर बे। अच्छा खैर, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए और मैं भी ऐसे तैयार हो रही है जैसे इसका वलीमा है भैंस के। तो मतलब इतना तैयार, मैं अभी काम करके आई हूँ, मेरी 2 दिन स्टोरी थी, मैं करके आई। मैंने कहा कि मेरे आने तक ना तैयार हो जाना, फिर कुछ खाने जाएंगे। और मैं अभी तो लाल लिपस्टिक लगा रही जैसे इसकी बारात है आज। खैर हम लोग खाने जा रहे हैं मछली क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। तो महविश को भी इतनी कोई खास पसंद नहीं है, मुझे भी इतनी कोई खास पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन इसका जो पेट है ये पेट नहीं बड़ा सा कुआं है। तो हम लोग खाने जा रहे हैं मछली। तो मैंने सोचा कि क्यों, ओए अल्लाह फिटे मुंह महविश तेरा। अम्मी मेरा नया ब्लाउज कल तक मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं की थी। जा रहे हैं कुछ खाने उसी सैलरी में से। तो ऐसे ही सैलरी में से कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी और काफी टाइम हो गया था कि कुछ खाया नहीं था। तो मैं तैयार हूँ, तो ये भी तैयार है, इसने पहनी है इन्फ्लुएंसर की शर्ट, इसको प्रमोट कर रहा है। खैर हम लोग जाने लगे हैं, राइड मंगवाते हैं और चलते हैं। मैं भी शशि वलीमे तो नहीं जा रहे हूँ, तुम्हें किस्सा समझावा। जहाँ हम लोग मछली खाने जा रहे हैं ना, वो एक ऐसी जगह है कि आपको ना बाहरी, वो मेरे ख्याल से ना हाँ ढाबा टाइप सी है ना, थोड़ी देसी फीलिंग्स के लिए। और मैं भी ऐसे तैयार हूँ जैसे मैं भी ना क्लब जा रही हूँ। मैं भी ऐसा वो कोट सेट पहना है जैसे मैं भी जा रही है क्लब और गले में टाई। मैं भी दिखा ना, मैं भी दिखा, आय हाय हाय तुलसी अपनी ब्यूटी तो दिखाओ। अच्छा मैं महविश को देख कर ना एक बात कहना चाहती हूँ। महविश देख जरा, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो मैं भी हो चुकी हूँ हल्की से तैयार और ये मेरा मोबाइल कवर है और ये देखिए मैंने आज नया पर्स लिया है जो कि मेरे मोबाइल कवर से बिल्कुल मैच कर रहा है। और ये मेरा ही प्रैंक है जो कि दैट वाज क्रेजी पर किया था मैंने अली के साथ, तो इसको भी जाकर देखें। तो अब हम लोगों की राइड आ चुकी है, तो राइड आ चुकी है, चलते हैं मछली खाने। हमारे मोहल्ले में शायद किसी की शादी है या फिर कोई मिलाद है, पता नहीं क्या है, टेंट वगैरह लगाया है। अब हमें घूम, शादी है, मेहंदी है मेरे ख्याल से, अब हमें घूम कर जाना पड़ेगा। मेहंदी है क्योंकि मुझे कपड़ों से पता चल गया है। बच्चों के कपड़े देखें, उधर से लंबा चक्कर। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आज हम तैयब को
खर्च करवाते हैं। आई एम द वन द वे योर सन गाइस, इन्हें भी तैयब कह रहा था मैं आज आपको बाइक पे नहीं लेके। हाँ, क्योंकि तैयब तो नवाब साहब है, आपको पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है तैयब की मीटिंग चल रही है। तैयब तो हाथ में आने वाला है, 7 बजे इसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करनी होती है पबजी पे बैठ के। अच्छा हमें तैयब को कहा कि हम तुझे आज ऑटो रिक्शे पर लेके जाएंगे, क्या ही पेट्रोल खर्च करना। तैयब इन्ना बोना भी हमारे साथ ऑटो रिक्शे में जा रहा है छोटी सीट पे बैठ। मशहूर मछली खाने हैं मोहम्मद सदीक मछली फरोश। यहाँ की मछली मुझे बहुत पसंद है, मैं यासिर और शाहिद भाई खाने जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत रश लगा होता है, अभी भी रश लगा है, लोग मुझे ही देख रहे हैं। इनके दो हॉल है, वो उस वाले हॉल में रश है। अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया, मैनिश ने भी कुछ नहीं खाया, और जो तैयब है वो तो हल्लुमान है। मतलब इसके लिए तो हम लोग 10 किलो मछली करें ना, और 10 किलो मछली तो वो भी नहीं रही। आपकी खुराक पे नजर लगती भी नहीं, शक्ल है आपकी। खैर अब हम लोग ऑर्डर करेंगे 1 किलो मछली। आप ऑर्डर लेंगे? हाँ, 1 किलो मछली। अंकल शर्मा रहे, कह रहे मुझे क्यों ले रही है वीडियो में। 1 किलो मछली और 1-2-4 ये मेरी अम्मी का पर्स है। कोई जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे यही पर्स देखने को मिला है। मैंने अम्मी को कहा अम्मी पर्स चेंज कर लो, अम्मी कह रही है पर्स नहीं चेंज करना, ये डॉक्टर कह रहे हैं इसी पर्स से पैसे मिलते हैं। 2000 रुपए किलो मछली, मतलब ये बहुत ही सस्ता तरीन खाना है जो मैं खा रही हूँ। वरना तो 2000 रुपए में मैं अकेली ही खाकर आ जाती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता। और अब हम 2000 रुपए में 4 बंदे खाएंगे, मतलब कितने कितने की ख्वाहिश आलू में। हाँ तो वो मैंने आज शॉपिंग की है हल्की सी, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी ना, तो मैंने 2 जैकेट ली है और मेरा लोशन खत्म हो गया था, मैंने वो लिया है और 1 पर्स जो मैंने दिखाया है बस। और बहुत ही सस्ता आया, तकरीबन कोई 10,000 लगेंगे। लोशन मेरा महंगा आया था, वो था सेटा फिल का, वो 5,000 का आया था, और 1,000 रुपये का वो वॉलेट आया था, और 3,000 रुपये की जैकेट्स। 8,000 रुपये की मैंने शॉपिंग की होगी, 8-9,000 रुपये की। और इतनी शॉपिंग तो मैं, अरे इतना पैसे कमाती हूँ, मैं थोड़े से लगा सकती हूँ खुद पे। क्या चेक करूँ, वाह क्या सीन है। तैयब को पहले इतनी भूख लगी थी कि तैयब मुझे घर से ही कह रहा था, निमरा चल 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 जल्दी कर, मुझे भूख लगी है, मैंने मछली की वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया, और उतना ही लेट हो गया। 30 मिनट बाद आई है। Some time later. कटहल मछली आ गई है, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, तो फटाफट खाना शुरू करते हैं। और बस बाजू ने कोल्ड ड्रिंक्स भी लाते हैं, रायता चाहिए मैं, रायता नहीं इसके साथ, वो चटनी, ओ चटनी कह रही हूँ, ये आलू बुखारे की चटनी दी हुई है। सही, अब जंगली बनते हुए खाई जा रही है। मतलब कांटे निकाल के दिए मेरे अब्बू, तो बोले कांटे निकाल के देते थे, लेकिन अम्मी
खुद ही करो सारा कुछ, अब बड़े हो गए और तैयब भी खुद ही खा रहा है। अब तो ये काफी बड़ा हो गया, तैयब तो पहले बहुत ही छोटा था। मेरे अब्बू की डेथ जब हुई थी ना उससे अभी तैयब कितने सपना सजा हुआ है, 12 साल का होगा अब तैयब हो गया 17 साल का। तो खैर अब हम लोगों ने खुद ही खाई है, मेरा पेट भर गया, जैसे इन लोगों का हो जाएगा हम बिल वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। फॉलोवर्स इतने फैंस हैं कि गिनते मुकते नहीं है। ये एक फैन है, ये वहाँ पर बैठी थी, मैंने इसको कहा कि आकर जरा हमारी एक फैमिली फोटो ले दो, तो ये लड़की अपनी कुर्सी से ही नहीं हिली इतनी है। मैंने इसको कहा जरा आना एक तस्वीर खींच, तो हिली नहीं, हमारी मछली मुक गई, ये लड़की नहीं हिली। पर क्या नाम है आपका? सचिन। अब हमारी तस्वीर खींचोगी? चलो आप तस्वीर खींचो, शाबाश, जल्दी आओ, कुछ तो फायदा हो फैंस का। इस बंदे ने वॉशिंग करने के बाद भी कभी हाथ नहीं धोए होंगे। आज इसे सिंक देख लिया तो मछली के बाद भी हाथ धो रहे हैं। अम्मी का 2500 लग गया नान बोतल वगैरह डाल के, तो मैं सोच रही हूँ कि जो 500 रुपया बचा उसका भी कुछ खा लें और 3000 पूरा करने, तो शायद हम लोग कुछ मीठा खाने जाएं लाइक गुलाब जामुन या फिर आइसक्रीम। आप क्या खाएंगी? आइसक्रीम। तो अब हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। इसी लिए मैं ना गणेशों के आगे आगे जो है ना हाफिज आइसक्रीम आइसलैंड शायद कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। हम लोग आइसक्रीम की दुकान ढूंढते आइसलैंड आ गए, गणेश वाला आइसलैंड। मैं इसको गरीबों का आइसलैंड कहती हूँ क्योंकि मुझे इस आइसलैंड वाली फील्स ही नहीं आती है। तो सामने आइसलैंड है, अब मम्मी का थोड़ा खर्चा ज्यादा करवाना पड़ेगा और आइसक्रीम आइसलैंड से खानी पड़ेगी। उधर हो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं भी फालूदा है। ये आइसलैंड आई है, आप क्या छपड़ियों वाली बातें कर रही है? नली छपड़ी में रोजगार। दो स्कूप इकट्ठा कर सकते हैं ना, जो रेगुलर है उसमें दो स्कूप आते हैं। आप मंगा लो ना, वही मैं खा लूं। अच्छा ठीक है आप। ओ माय गॉड, इतनी इज्जत। नविश अभी जी तुसी खा लो, मैं पैसे दे दूंगी। अभी भी चाहिए पीना। अच्छा आप एक करते हैं, पीना बुलाना, एक आप करते हैं, दो आप करते हैं, टूटी फ्रूटी। बहुत तेज हो रहा है। अम्मी कह रही है कि महंगी दुकान में लेके घुसी है, वहां से 20-20 रुपए की कुल्फियां लेती है, काम खत्म करती है। सारे लोगों ने मीठे खाना था तो खा लेते पेट। अच्छा मेरी जब सैलरी मीठा खाना गुलाब जामुन खा लेते। अच्छा मेरी सैलरी, अम्मी मेरी सैलरी आई ना तो अम्मी मुझे कहती किसी को नहीं बताना कि सैलरी आई है। बेसिकली मुझे ना बहुत शौक है काम करने का, जब मैं फारिक होती हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा थिंकिंग करने ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ, तो मुझे होता है मैं 24 घंटे काम करूँ, तो इसलिए मैंने जॉब स्टार्ट की थी और बहुत ही नॉर्मल सी जॉब है मेरी। तो उसकी जब सैलरी आई तो मैंने सोचा कि अम्मी तो मुझे जॉब ही नहीं करने देती थी, अम्मी कहती इतना टाइम ही नहीं होता कि जॉब करो, क्योंकि मैं वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ, प्रैंक करती हूँ, स्टोरीज करती हूँ, फिर यूनिवर्सिटी, फिर इसको एडिट भी मुझे खुद करना पड़ता है, फिर उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अम्मी ने कहा था कि जॉब नहीं करनी, तो मेरे बड़े हाथ पांव जुड़े, अम्मी से प्लीज मुझे जॉब करें, मुझे प्लीज जॉब मिले ना, इसलिए ताकि मैं अपना खर्चा उठा सकूं, लेकिन वो भी सैलरी मेरी अम्मी ने मेरे हाथ से छीन ली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा फिर सैलरी आई तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये कुछ खा ले, लेकिन ये कुछ सोचने के चक्कर में अम्मी का लग गया है। कोई गल नहीं अम्मी, 3500 कोई गल नहीं अम्मी, अलॉट अम्मी कह
ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਐਸਕਰੀਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ये कैमरा मेरी बाबू बहुत ही शायद स्वीट सी आती है जैसे ओ माय गॉड बन जाती है। लेकिन वैसे मेरी अम्मी के अंदर भी एक अम्मी रहती है शदीद खातमुन्ना ठेठ पंजाबी में गालियां जब अम्मी देती बहुत है खतरनाक बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक मेरे मामा मुझे बेलन से कूटते थे कह रहा हूँ आइसक्रीम आती है तो खाते हैं चले ये कंफ्यूज भाई ये कंफ्यूज भाई आइसक्रीम लेकर आ गए हैं कंफ्यूज भाई समझ आ गई थी आपको सही वेरी गुड अरे अल्लाह ये ऊपर स्प्रिंकल क्यों डाल रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अब क्योंकि मुझे स्प्रिंकल्स नहीं पसंद ये मुझे बड़े अजीब से लगते हैं तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा रिमूव करेंगे रिमूव से मुराद इसको ये भी वीडियो के बाद तो ज्यादा बिल नहीं बना बिल बना है 770 मतलब 3000 रुपए से सिर्फ 200 रुपए ऊपर ये भी बता देना जो आया 200 आने का 200 ना मेरा मत दिखाओ अपनी शक्ल दिखाओ अम्मी कह रही है 200 मेरा आने का 200 मेरा जाने का जो किराया लगा है वो 4000 रुपए ज्यादा लगा है बस ठीक है कोई बात ये 4000 आपने मुझे देना चलो चलो ऑटो करवाओ और घर चले और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मेरे 200 के जल्दी से करवा दें थैंक यू बाय बाय मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें थैंक यू बाय बाय आई लव यू ओमा